क्या है तू? लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान, न्यूयॉर्क देखा, कानपुर देखा, सब देखा मिर्जान, सारे जग में कहीं नहीं है क्रिएटर्स ये मान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। भाई मैं बस यही कहना चाहता हूं, ये जो लड़का अमरीश है ना, ये आशिक है, पागल है, मजनू है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। थैंक यू अमरीश भाई। और मान लीजिए कि यहां पर हमारे बीच अगर प्रधानमंत्री सर होते, सर आपके लिए प्रधानमंत्री सर कुछ कहना चाह रहे हैं और क्रिएटर कार्निवल इवेंट में वो भी आए तो क्या कहेंगे? तैयार है? हमारे मोदी जी आ रहे हैं। तो ये ऐसा था उनका। और अब
सामने आते हमारे ऋतिक रोशन सर। मेक सम नॉइस फॉर ऋतिक सर। ऋतिक रोशन एक बार जोरदार। ऋतिक सर सामने वाले से रिक्वेस्ट है सर थोड़ा ताली बजाइएगा हौसला बढ़ता है। ऋतिक रोशन ओ माय गॉड कैसे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे एंड स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा माय बिग ब्रदर अमरीश भाई और जितने भी क्रिएटर्स आए हैं कोई ट्रेन पकड़ के आया कोई फ्लाइट से आया कोई फ्लाइट पकड़ के आया इट्स फैंटास्टिक मैन। बैठ लीजिए मैं कह दिया पाप करने वाले को यही तो जान देती है पर मैंने तो कोई काम नहीं किया मुझे कैसे जान देती है सभी लोग जान रहा होते अगर तू मेरी मदद देगी तो कौन करेगा तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति तो शक्ति मुझे दे दो भगवान प्लीज भगवान मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि इतने लोगों के बीच मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और इतने सारे क्रिएटर्स हैं आप सभी लोगों का लव यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा और दिल से बहुत बहुत मोहब्बत हाँ भाई सनी देओल। अच्छा यहाँ पे पंजाब से हरियाणा से कौन कौन है सनी बाजी मैं सनी बाजी का करता हूँ आवाज़ अच्छी लगे तो सनी बाजी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और क्योंकि अभी रिसेंटली मैं उनसे सनी बाजी से मिला और उनकी आवाज़ मैंने उनके सामने रखी तो उनको बहुत अच्छा लगा बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने सो सनी बाजी का ये लास्ट करता हूँ एंड उसके बाद आप हमें इजाज़त देंगे दिल से सनी बाजी की आवाज़ मिनट बाबूजी बाबूजी मैं काजल से प्यार करता हूं काजल भी बताओ ना बाबू जी को मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं बाबू जी वो मेरे साथ खुश नहीं थे बाबू जी मैं आपकी कसम खाता हूं बाबू जी मैं आपकी महरारू की कसम खाता हूं नहीं तुमसे मेरी हो तुम्हारी किसी की हो सकती अगर ये चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी और सबसे पहले अर्थी उसको उठेगी जिसके सर पे सहना होगा लाशा भी जरूर लाशे और एक बात याद रखिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल खोल कर पूरे मन से सभी के साथ रहकर काम करते रहे और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सभी क्रिएटर्स के बीच मौजूद हूँ एंड दिल से बहुत बहुत मोहब्बत आप लोग अपना अपना ख्याल रखें
आशा करता हूं कि फिर मुलाकात होगी, जान रही तो फिर है? देख रहे अमरीश भैया मेरी कोई गलती नहीं है, है? रवि किशन आवाज नहीं बोले तो फिर नहीं बोलेंगे भैया ना, कट्टे सुनाएंगे हम। रवि किशन नाना पाटेकर, मेरी कोई गलती नहीं है, बाद में ना कहा जाए बहुत टाइम दे दिया। सो पहले रवि किशन करते फिर नाना पाटेकर करेंगे। रवि किशन सर देखिए वो कुछ भी करे ना, वो कोई उनसे कुछ भी पूछ ले कि रवि जी यहां पर ये समस्या हो गई, वहां पर वो समस्या हो गई, ये कैसे इंसान है कि हमेशा हंसते रहते हैं। इनसे पूछा गया जी मैं मीडिया से हूं, मैं पत्रकार हूं और मैं आपके बीच आया हूं, रवि जी यहां पर ऐसा एक बाढ़ आया हुआ है बिहार में, तो आप इस बाढ़ की समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रवि किशन अरे बाबू अरे हर महादेव महादेव महादेव। देखिए बाबू क्या होता है कि लोग जो है जनसंख्या बढ़ रहा है। जी जी हाँ, आपने क्या पूछा? जी मैंने पूछा कि बाढ़ आया हुआ है तो बाढ़ की समस्या से क्या कहना चाहते हैं? देखिए बाबू कहे कि पानी का समस्या जो है बहुत चल रहा था, अब बाढ़ आ गया तो आदमी का समस्या भी खत्म हो गया। हर हर महादेव का कृपा है और हम चाहते हैं कि जितना भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आया है क्रिकेटर्स को देखने के लिए, बाबू ताली हो जाएगा भैया। अभी देखिए क्या है कि बाबू हम IPL में अभी कमेंट्री कर रहे हैं और हमारे IPL के बहुत ही काकेशन बोला ज्यादा भाई हम ना बोल पाए, अगे माएंगे माँ आई लव यू टू बाबू। अच्छा नाना पाटेकर हमारे अमरीश भाई बोल, देखिए ये खुशनुमा सा दिन फिर वापस नहीं होने वाला है, तो नाना पाटेकर जी का जो डायलॉग है क्रांतिवीर का सभी को पता है, तो क्रांतिवीर का मोमेंट यहां पर करते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आप मुझे धक्का देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी आंखें बाहर आएगी, है थोड़ी देर लटकता रहूंगा फिर मेरे भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग थोड़ी देर चर्चा करोगे घर चले जाओगे खाना खोगे सो जाओगे, तुम्हारी ना मर्दानगी तुम्हारी बुजदिली एक दिन इसी देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से दिखेगी। कुछ नहीं करना मुझे तुम्हें, है कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तुम्हारी जिंदगी में, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की अब जनकदार नेताओं की और गुंडों की, धर्म के नाम पे ये तुम्हें बहकाते हैं और तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो है, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तुझे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान इंसान नीचे देखा सब कीड़े बन गए कीड़े, है रंग डेढ़ और सौ मरो आए और गए खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं क्यों मरे मालूम नहीं। ये कलम वाली भाई कलम के जोर पर क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर से काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, लेकिन कौन समझे उसकी बात को, सब साले जिंदा लाशें किसे जगाती वो, मैं जाग गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है लेकिन याद रखना तुम्हारी खामोशी एक दिन तुम्हारे बच्चों की योजना बन जाएगी, मैं क्यों समझ रहा हूं तुमको, पागल हूं मैं दूसरा भरा पड़ा मेरे दिमाग में, क्यों बातें करो पत्थरों से, हंसो हंसो खुशियां मनाओ, एक क्रांतिकारी कुत्ते की मौत और मरने जा रहा हमें क्या है ना, हम तो भाई ऐसे जिएंगे जियो बाजी हो जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है दौलत है सौलत है, कमी अगर है तो एक गर्लफ्रेंड की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिहारी बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, यहाँ मैम को देखकर कुछ याद आ रहा है इशा इशा तो मैम जी
हरे प्रिया राज, अरे चुप ना भाई, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों महसूस करता हूं, हर वक्त हर पल मेरी नैना सिर्फ तुम्हें देखती है, इसे प्यार कहो या पागल कहो, या दिल नहीं दिल की धड़कन नहीं, एक ही बात है, प्यार तो जरूर करते हैं लेकिन नहीं दिल की धड़कन। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, बहुत अच्छा कहना है।